कहते हैं अकल बड़ी की भैंस जाहिर सी बात है भैंस क्योंकि वह जगह ज्यादा लेती है वैसे भी अकल रख कर भैंस क्या करने वाली है कौन सा उसे पीएचडी करना है आखिर तो उसे गुलाम बनकर जिंदगी जीना ही है कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का हुआ लेकिन म्यांमार ने पाकिस्तान की तरफ भैंस को नहीं चुना बल्कि अकल को चुना और उसका असर अब दिख रहा है म्यांमार ने सबसे बड़ा रोड़ा अटका दिया है चीन के खिलाफ वैसे आपको बता दें हाल फिलहाल में भारत के सेना प्रमुख म्यांमार गए थे आखिर म्यांमार ने ऐसा क्या कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ दुर्जन कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है और ठग तो बिल्कुल भी नहीं हाल फिलहाल में दोस्ती का मंत्र जाप कर रहे रूस और चीन में अब किस चीज के लिए विवाद खड़ा हो गया है गुस्साए जिनपिंग ने रूस के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि बदले में पुतिन भी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जिसने कभी दो रुपए खुद नहीं कमाए उसे क्या पता होगा बजट क्या चीज होती है और घर कैसे चलाया जाता है भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ भारत ने अरबों रुपए पाकिस्तान को दिए बैठे बिठाए मिले इस अरबों रुपए की रेवड़िया जिन्ना से लेके पिन्ना तक ने खूब खाई लेकिन किसी का भी ध्यान पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में नहीं गया जिसके बाद लोभ और लालच के महागुरु चीन की एंट्री हो गई पाकिस्तान में बड़े बड़े सपने के साथ बी प्रोजेक्ट जिसको लेकर चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को सपने दिखाए बल्कि दुनिया भर के कई बड़े देशों से लेकर छोटे देशों को सपने दिखाए उसमें से एक भारत भी था लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से सीधे सीधे मना कर दिया पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरह के निर्णय नहीं ले पाए और लालच में आकर बीआरआई प्रोजेक्ट का भागीदार बन गए हसर ये हुआ कि इस सी प्रोजेक्ट में बुरी तरीके से पाकिस्तान फंस गया और अब ये हाल हो गया है कि खुद चीन पाकिस्तान की जमीन पर अपने लिए बाढ़ बना रहा है और उस पूरे क्षेत्र का घेराव कर रहा है हालांकि ये तो शुरुआत है कुछ दिनों बाद उपनिवेश बनने की तैयारी में है पाकिस्तान ऐसा ही कुछ वो म्यांमार के साथ करना चाहता था लेकिन म्यांमार के मामले में बीच में ही अपनी टांग अड़ा दी भारत ने दरअसल भारत के सेना प्रमुख म्यांमार गए हुए थे और उसके बाद म्यांमार ने भी कुछ ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो कि चीन को चौंका रहे हैं चीन की महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ा समस्या बनकर खड़ा हो गया है अब म्यांमार दक्षिण एशिया का यह देश बिल्कुल भी इस वक्त चीन के फेवर में खड़ा नहीं है वह नहीं चाहता है कि उसके देश में चीन किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एकाधिकार प्राप्त कर ले यही वजह है कि बी प्रोजेक्ट है यंगोन मेगा सिटी का लेकिन अब म्यांमार यह चाहता है की उसमें सिर्फ चीन की कंपनी ना हो बल्कि विदेश के और भी कंपनियों को इसमें वह न्यौता दे रहा है साथ ही साथ चीन की 10 कंपनियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि वह सिर्फ भ्रष्टाचार पर लिप्त है और अपनी जेबे भरने में है वैसे आपको बताते यंगोन मेगा सिटी प्रोजेक्ट जो था वह चीन और म्यांमार को जोड़ने वाला था और चीन यह चाहता था कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ चीन की कंपनियां ही पूरा करें और धीरे धीरे म्यांमार को कर्ज जाल में फंसा ले और उसके बाद वही हाल करे जो हाल पाकिस्तान का हुआ है लेकिन म्यांमार ने यहाँ पर अपना दिमाग दिखाया और अक्ल को चुना पाकिस्तान की तरफ भैंस को नहीं चुना और अक्ल को चुनते हुए म्यांमार ने अब दूसरे देशों को न्योता दे दिया है अब बाहरी देश भी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो चीन की चाल नहीं चलेगी चीन की वह परियोजना जिसकी वजह से वह यह सोच रहा था कि म्यांमार पर आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से कब्जा करेगा म्यांमार ने एक झटके में इसे खत्म करना शुरू कर दिया है वहीं अभी अभी तो चीन और रूस की दोस्ती परवान चढ़ी थी लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे इस दोस्ती में खलल पैदा हो गई है और ये खलल आखिर क्यों पैदा हुई है हम सभी जानते हैं कि चीन अपने जे को एक स्टिल्थ फाइटर जेट बतलाता है जो कि सिंगल सीट वाला ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है और चीन के अनुसार यह किसी भी मौसम में बड़े एडवांस तरीके से काम करता है यह वह फाइटर जेट है जिसे चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने तैयार किया है और पहली बार 2011 में जनवरी के महीने में उड़ाया गया था जो सक्षम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जाने में एयर टू एयर हो या एयर टू ग्राउंड हो किसी भी तरह की लड़ाई में सक्षम है ऐसा चीन कहता है चीन के अनुसार उसका जी ट्वेंटी अमेरिका के एफ थर्टी फाइव लाइटनिंग टू और एफ ट्वेंटी टू के आगे काफी बड़ा है और चीन अपने इन विमानों के लिए इस्तेमाल करता था रूस के एल AL31 इंजन को वैसे रूस के एल AL31 सीरीज के इंजन के बारे में दुनिया भर में ये प्रचार है कि यह कमतर इंजन है भले ही डिजाइन किसी एयरक्राफ्ट का कितना भी अच्छा क्यों ना हो कितने फीचर्स क्यों ना जुड़े हो अगर इंजन कम पावर वाला है तो उसकी क्षमताओं पर असर जरूर पड़ता है और ऐसे फाइटर जेट बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अब ऐसी भी बात नहीं थी कि रूस के पास इंजन की कमी है पावरफुल इंजन चीन को नहीं दे सकता है लेकिन रूस इसे देना नहीं चाहता है इसके सबसे बड़े कारण हैं। पहला तो रूस ने एक शर्त रखी थी रूस का कहना था कि अगर चीन को उसके ए एल थर्टी वन एफ सीरीज के इंजन चाहिए तो सुखोई थर्टी फाइव फाइटर जेट खरीदने होंगे अब जिस सुखोई थर्टी फाइव को पहले ही चीन कॉपी बना चुका है वह खरीद कर करेगा क्या और इंजन को रूस इसलिए भी नहीं देना चाह रहा है क्योंकि रूस को बहुत अच्छे से पता है रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंजनों की भी कॉपी बना लेगा और इसका सीधा मतलब यह है कि रूस को आने वाले समय में घाटा ही होने वाला है ऐसे में अब चीन ने भी एक तोड़ निकाली है और चीन का कहना है की चीन ने खुद का डब्लू नाम के इंजन को बनाया है जो रूस की क्षमताओं से कहीं ज्यादा आगे है और अब जे ट्वेंटी में वह रूस के इंजन का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपने डब्लू एस टेन सी इंजनों का इस्तेमाल करेगा वैसे आपको बता दें इंजन वाला काम डब्लू एस फिफ्टीन नाम के इंजन का परीक्षण चीन ने 2019 में भी करा था लेकिन उस वक्त यह सफल नहीं हो पाया था और अब डब्लू एस टेन सी के इंजन को लेकर कितनी सच्चाई है वह तो चीन ही जाने लेकिन इतना जरूर है कि अब उसने रूस से इंजनों को या लड़ाकू विमानों को खरीदने से मना करना शुरू कर दिया है ऐसे में रूस जो भारत को छोड़कर चीन की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा था उसे भी अब ये लगने लगा है कि भारत ही उसका सबसे बड़ा बाजार है और भारत ही उसके साथ खड़ा रहेगा वैसे आपको क्या लगता है क्या रूस को अब समझ में आ रही है चीन की चालाकियाँ कमेंट कर अपनी राय जरूर बताए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ